ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब यह है कि उस ज्ञान की पराकाष्ठा वाले व्यक्ति को हम राहुल सांकृत्यान कह सकते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कह सकते हैं। राहुल सांकृत्यान जी के शब्दों में, हम इस पृथ्वी पर जब आए हैं तो हमें कुछ विलक्षण करना होगा, और विलक्षण करने के लिए बौद्ध धर्म के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हेलो बंधु, आज बौद्ध जगत के एक जाज्वल्यमान हस्ताक्षर, प्रसिद्ध लेखक घुमक्कड़, कई देशों में जाकर बौद्ध धर्म की पताका उतुंग करने वाले, अनेक भाषाओं के ज्ञाता महापंडित राहुल सांकृत्यान जी का जन्मदिन है। उनका जन्मदिन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 9 अप्रैल 1992 में हुआ था। हम देखते हैं, इस आधार पर हम देखते हैं, उनका जन्म 1893 में हुआ था, 9 अप्रैल को 1893 का मतलब ये हुआ कि वो बाबा साहब से 2 साल छोटे थे। उनका जो मृत्यु हुई, जो उनका निधन हुआ, वो बाबा साहब के जन्मदिन यानी कि 14 अप्रैल को 1963 में हुआ। क्या संयोग है कि अप्रैल में जन्म, अप्रैल में ही उनका निधन। यह अप्रैल महीना बड़ा विशेष महीना है। इस अप्रैल के महीने में बड़े बड़े महापुरुषों के जन्म हुए हैं। विशेष रूप से ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, संसार भर के सबसे बड़े चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्मदिन वो चैत्र के माह में, जो अक्सर अप्रैल में ही पड़ता है, हुआ। उसके अलावा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म अप्रैल में हुआ। महामना ज्योतिबा फूले, जो अपने महान सामाजिक क्रांति थे, उनका जन्म अप्रैल में हुआ। और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के दादा आदर के जोग मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म भी अभी 21 तारीख को इसी महीने में पड़ रहा है। तो ये जो अप्रैल के महीने में महापुरुषों की एक तरीके से वर्षा होती नजर आती है, तो आज हम राहुल सांकृत्यान जी के संबंध में कुछ शॉर्ट में चर्चा करेंगे, इसलिए कि हम उनके प्रति ऋणी हैं, एक बौद्ध होने के नाते, अंबेडकरी होने के नाते, बुद्धिवादी होने के नाते, समाज सुधार के कार्य में रुचि रखने के नाते हम आज उन पर संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। आपको उनके शब्दों में 2 लाइनें, ये पुस्तक उन पर हमने लिखी है, महापंडित राहुल सांकृत्यान जीवन व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ये किताब है, बहुत शिक्षाप्रद है, बहुत सारी सूचनाएं इसमें बटोर कर रखी गई हैं। पहला संस्करण बहुत छोटा था, ये उसका दूसरा संस्करण है। इसमें उनको ठीक से समझने के लिए हमें उन्हीं के एक कथन को आधार बनाना होगा। उनका एक कथन है जो इस किताब में हमने दिया है, हिंदू संस्कारों में पले आदमी के लिए ईश्वर और आत्मा का छोड़ना सबसे मुश्किल बात है। जिसने उसको समझ लिया वह हिंदू धर्म की भूल भुलैया से बच गया, और उसने बौद्ध धर्म को ठीक से समझ लिया। ये उनका स्वयं का आकलन है कि ईश्वर और आत्मा ये संसार के दो भूल भुलैये हैं उनकी दृष्टि में, और इनसे मुक्त हो जाना, समझो मानव जीवन को सफल करना। यदि कहते हैं ना, मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है,
मिले न बारंबार। एक बार यदि व्यक्ति को मानव जन्म मिल गया और वो अंधविश्वासों में लिप्त है तो ये मानव जन्म व्यर्थ है। वो व्यक्ति व्यक्ति में और जानवर में एक बुद्धि का ही अंतर होता। जानवर में बुद्धि नहीं होती, समझ नहीं होती, उसे खाली भूख की, प्यास की, गर्मी की, सर्दी का ज्ञान होता। बाकी व्यक्ति में जो समझ होती है वो समझ, वो ज्ञान उसे पशुओं से, पक्षियों से अलग करता। तो ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब यह है कि उस ज्ञान की पराकाष्ठा वाले व्यक्ति को हम राहुल सांकृत्यान कह सकते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कह सकते हैं। राहुल सांकृत्यान जी के शब्दों में, हम इस पृथ्वी पर जब आए हैं तो हमें कुछ विलक्षण करना होगा और विलक्षण करने के लिए बौद्ध धर्म के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वो एक हिंदू धर्म में पैदा होने के बाद में घर में ना टिक पाए, घर में नहीं टिके, वो पारिवारिक बंधन में भी नहीं बंधे, उनका तो विवाह होना था, नहीं बंधे, घर छोड़कर चले गए। उनके पिताजी उनको ढूंढ ढांड करके ले आए, फिर भी नहीं घर में टिके, फिर चले गए, कई बार आए और कई बार गए। अंत तो गतवा आर्य समाजियों के संपर्क में आए, आर्य समाज का उन्होंने अध्ययन किया और आर्य समाज का अध्ययन करने के बाद वो एक अच्छे विद्वान के तौर पर जाने जाने लगे। गजब जब हो गया जब वो लखनऊ गए, और लखनऊ में एक बौद्ध भिक्खु थे, भारतवर्ष के गिने चुने जो भिक्खु थे उस समय, जो उंगलियों पर जिनकी गिनती गिनी जा सकती थी, उनमें एक बनते बोधानंद थे जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत प्रिय थे। जब वो उनके संपर्क में आए, वो बोधानंद बंगाल के थे, ब्राह्मण थे, मगर उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म की और पिछड़ा वर्ग आंदोलन की स्थापना करने वाले वही महापुरुष थे। जब राहुल सांकृत्यान उनके संपर्क में आए तो वो उनकी विद्वता को देखकर, उनकी ज्ञान संसार को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और वही इनको बौद्ध धर्म में लाने के जिम्मेदार हैं। और जब इन्होंने बौद्ध धर्म में कदम रखा तो इनको और भी बहुत विद्वान मिले, राहुल सांकृत्यान मिले। राहुल सांकृत्यान इनको श्रीलंका में मिले, जहां पर वो गए थे वहां पर एक संस्कृत के प्रोफेसर की जरूरत थी, श्रीलंका के एक विश्वविद्यालय में ये वहां पर संस्कृत पढ़ाने गए थे, वहीं उनको मिले थे आनंद कौशल्यान जी। आनंद कौशल्यान जी का जब इनसे संपर्क हुआ, आनंद कौशल्यान जी ने किताब का अनुवाद किया है, वो बुद्धिवाद की, इंगरसोल की जो किताबें हैं प्रसिद्ध, जो एक अमेरिकन बुद्धिवादी हुए हैं उनकी किताबों का अनुवाद राहुल आनंद कौशल्यान जी ने किया। उसमें उन्होंने कहा है कि राहुल जी का ईश्वर प्रेम छूटे ना छूटता था, मगर जब उन्होंने दोनों पुस्तकें पढ़ी उनका ईश्वर इनको छोड़कर भाग गया, यानी कि ईश्वर से उनका भरोसा उठ गया। इन्होंने बौद्ध धर्म को जब समझा, उस समय शब्दकोश ना होते थे, बौद्ध धर्म प्रचारक ना होते थे, बौद्ध धर्म प्रचारक संस्थाएं ना होती थी, उस समय में इन्होंने बौद्ध साहित्य की रचना की। ना केवल बौद्ध साहित्य की रचना की, ये तिब्बत गए, तिब्बत से जो भारतवर्ष का हमारा इतिहास, जो हमारा साहित्य जला दिया गया था विधर्मियों द्वारा, वो वहां पर तिब्बती भाषा में अनुवाद के रूप में मौजूद था। वो कई बुद्ध विहारों में गए, वहां के जो बुद्ध विहार हैं जिनको गुम्फा भी कहते हैं, वहां एक स्वस्थ परंपरा ये रही जिसकी वजह से हमें ये हमारे अनमोल ग्रंथ जो भारतवर्ष से धर्म द्वेषियों ने जला दिए थे राहुल जी के माध्यम से हमको मिले। उसका कारण ये था, उनका एक संस्कार बहुत अच्छा, वो जब जहां मूर्ति स्थापित करते हैं उस मूर्ति के नीचे एक स्टैंड जो होता है वो अंदर से खोखला होता है, और वो जो उसमें क्या रखते हैं, उसमें अपने धर्म ग्रंथों की पांडुलिपियां रखते हैं। आज भी वहां पर ये संस्कार जीवित है, वहां पर उन ग्रंथों के संग्रह तक राहुल सांकृत्यान जी पहुंचे। उन्होंने तिब्बती भाषा सीखी, वो तिब्बत में रहे, तिब्बती परिवेश में, तिब्बती आवेश, तिब्बती वेशभूषा में रहे, और उन्होंने न केवल बहुत सारा साहित्य वहां लिखा अपितु वहां की पांडुलिपियां भी प्राप्त करके जो भारतवर्ष में आए
37 खच्चरों पर लादकर उन पांडुलिपियों को लाए थे जो भारतवर्ष की असली विधा थी, असली खजाना था, असली दौलत थी, उसको खच्चरों पर लादकर हिमालय पर्वत जो दुर्गम होता है, बड़ा कठिन होता है, उसको पार करके भारतवर्ष में आए। और वो पांडुलिपियां कहां रखी गईं? वो पटना के जयसवाल भवन, जिसको आजकल हम म्यूजियम कहते हैं पटना का, जो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक है, वहां पर रखी गई। बहुत दिनों तक वो सुरक्षित रही, मगर प्रतिक्रियावादी लोग, प्रतिक्रांतिवादी लोग बड़े शातिर, उन्होंने वहां से उसमें से बहुत काम के जो ग्रंथ थे सब गायब कर दिए हैं, नष्ट कर दिए हैं। ये बड़े दुखद समाचार है, क्योंकि बौद्ध धर्म प्रेमी लोग बड़े प्रमादी हैं, बहुत आलसी हैं, फालतू कामों में लगे रहते हैं, अपनी विरासत को संभालने की उनको अभी सुध नहीं है, इसलिए वो सरकार के कब्जे में जो चीज गई समझो खत्म। तो वही हाल पटना में हुआ। अब जो पटना के संग्रहालय में जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लाए गए ग्रंथ थे जो बचे हैं, वो विशेष महत्व के नहीं है, महत्वपूर्ण ग्रंथों को वहां से तबाह कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। बार बार समाचार आते रहे कि वो चोरी चोरी नहीं होते हैं, तुम इतने मजबूत ताले में रखते फिर चोरी हो जाते हैं, ये षड्यंत्र है उनका जिनका वहां पर पहरा होता है। तो साथियों, मैं राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में आपको बताऊं कि वो साम्यवादी भी थे। साम्यवादी क्यों थे? क्योंकि साम्यवाद में भी ईश्वर का कोई स्थान नहीं, ये एक तत्व ऐसा था जो उनको साम्यवाद के नजदीक ले गया। बाबा साहब के संपर्क में जब वो आए, उससे पहले वो बाबा साहब के संबंध में सही राय नहीं रखते थे। उन्होंने जो एक उनकी पुस्तक है वोल्गा से गंगा, उसमें उन्होंने बाबा साहब के बारे में बहुत हल्की टिप्पणी भी की है। मगर जब वो काठमांडू में 20 नवंबर 1956 को वर्ल्ड बुद्धिस्ट फेलो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के अवसर पर मिले और बाबा साहब का भाषण सुना, भाषण किया था, भाषण था अंग्रेजी में बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्ध या मार्क्स, ये उनका विषय था। उन्हें तो अहिंसा पर बोलना था, मगर वहां की फरमाइश हुई कि नहीं सर, आप इस विषय पर बोलिए। और ये विषय तो राहुल जी का था, राहुल जी साम्यवादी थे, मार्क्स को उन्होंने पढ़ा था, जाना था, उन पर साहित्य रचा था। जब उन्होंने बाबा साहब के मुखारविंद से मार्क्स के संबंध में, मार्क्सवाद के संबंध में, साम्यवाद के संबंध में वो अनमोल विचार सुने, तो वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मुरीद हो गए। ना केवल मुरीद हो गए, वो उन्हीं के होकर रह गए। भदंत आनंद कौशल्या ने एक छोटी सी किताब है उनकी बौद्ध धर्म पर, उसमें लिखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन जी ने वहां पर क्या कहा था, बाबा साहब का भाषण सुनकर ये कहा था कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया है उसके रूप में बौद्ध धर्म की ये स्तंभ इतना मजबूत से गाड़ दिया है जो किसी के हिलाए से हिलेगा नहीं। ये उनके शब्द थे बाबा साहब के संबंध में। उन्होंने नव बौद्ध उनको कहते थे जो नव दीक्षित बौद्ध थे। और उसके अलावा बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के संबंध में भी दो छोटी छोटी किताबें लिखी थी। वो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति उनका समर्पण है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मगर एक सवाल हम अपने आप से जरूर करेंगे, वो ये है कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को चलाने वाले, चाहे वो भिक्खु हो, चाहे संस्थाकार हो, चाहे राजनीतिक हो, वो अपने मार्ग से भटक गए हैं। और आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में महापंडित राहुल सांकृत्यायन जैसे, भदंत आनंद कौशल्यायन जैसे, जो दलित नहीं थे, पिछड़े नहीं थे, मगर यहां आकर उन्होंने अपनी सेवाएं दी, किस लिए? मानवीय होने के कारण। तो हमारे समाज में ऐसी प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होता, इसलिए अब इस आंदोलन में, बाबा साहब के आंदोलन में इस तरह की प्रतिभाओं का एक तरीके से हमने आने का रास्ता बंद कर दिया है। यहां खाली जाति विशेष को गाली देने के अलावा हमें और कोई काम हम करना भूल गए हैं, इसलिए आओ हम अपने इस आंदोलन को ऐसा बनाएं कि उसमें हम सभी जाति के विद्वानों का, सभी जाति के बुद्ध प्रेमियों का, सभी जाति के भीम फूले अशोक प्रेमियों का स्वागत कर सकें। इस आंदोलन को हमें ऐसा बनाना है, और यदि हम ऐसा बना पाए तो साथियों हम इस आंदोलन के साथ ईमानदारी कर पाएंगे। आज भी हमारे एक लेखक हैं, यद्यपि वो दलित नहीं है, पिछड़े नहीं है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी बहुत ऊंचे कुल के हैं, उनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात।
वो भी आज के आधुनिक राहुल सांकृत्यायन है। आओ, हमारे पास जो विरासत रह गई है उसको संभाले, उसका सम्मान करें, उनको शिरोधारी करें और उनको शिरोधारी करके हम अपने आंदोलन में ही चार चांद लगाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी धम्म बंधुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जिनको महापंडित की जो उपाधि बनारस के पंडा संघ ने उनको दी थी, उनके प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपना आभार विनय पूर्वक अर्पित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं।